ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं होने वाली, रिव्यू वीडियो आएगी इसके बाद। तो चलो शुरू करते हैं। पांच लोग अलग अलग प्लेनेट से आते हैं और डेस्टिनी उनको साथ में मिलाती है, और वो पांच लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं और कहलाते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। और देखते ही देखते ये बॉन्ड इतना मजबूत होने लग जाता है कि आप लोग भूल जाते हो कि किसी टाइम पे एक दूसरे की जान के प्यासे भी थे। फिर इनकी टीम में कुछ नए लोग आते हैं और इनकी टीम और बड़ी बन जाती है। कुछ बुरे लोग अच्छे बन जाते हैं, कुछ अच्छे लोग बुरे बन जाते हैं। फिर समय बदलता है और एक ऐसा टाइम आता है जब ये किसी अपनों को खोते हैं और खुद भी तबाह हो जाते हैं। फिर ऊपर वाला इनको फिर से मिलाता है और ये एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ रिश्ते छूट जाते हैं, मगर इनकी दोस्ती कभी नहीं छूटती। जब भी किसी की जान पर आती है तो ये सब लोग अपनी जान लगा देते हैं उसकी जान बचाने के लिए, और ये कहलाते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। और जब भी इनके दोस्तों की जान पर आती है तो ये खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए, मगर इनके दोस्त भी इनका साथ नहीं छोड़ते और ये कहलाते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो भाई लोगों, मैंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 देख ली है, और सच में बताओ दिल से यार, मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई है। गुरु रुमाल वगैरह लेकर जाना, क्योंकि रो तो पड़ोगे तुम ये मूवी देख कर। और कुछ टाइम के बाद एक ऐसा सीन आता है जब आपको लगता है कि आप खोने वाले हो अपने किसी फेवरेट को। रुमाल लेके जरूर जाना इसके लिए, बहुत इमोशनल मूवी है यार। परफेक्ट एंडिंग है ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की, क्योंकि अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की और मूवी। यस गुरु, अब टीम में न्यू मेंबर ऐड हो गए, पुराने ऑलमोस्ट सारे चले गए, एक को छोड़कर जेम्स गन ने रुला दिया यार। जेम्स गन की लास्ट मूवी थी मार्वल के साथ। इस मूवी का पूरा फोकस तो रॉकेट के ऊपर था, मगर उसके बाद भी जिस तरीके से की फ्रेंडशिप का बॉन्ड दिखाती है यार, ये काम तो सिर्फ जेम्स गन ही कर सकते हैं। यही तो खूबसूरती है जेम्स गन के डायरेक्शन की, आपको आपकी जगह से हिलने नहीं देगी। तो चलते हैं फिर, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय।